आ गए आप लोग। सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही कुछ और है, और चाय के साथ थोड़ा चर्चा भी हो जाए, तो यही चर्चा का उद्देश्य आज हम आपके सामने हैं। आइए कुछ बात करते हैं एने के ओने के, जने तने के, लेकिन काम के बात करेंगे आज। ओके, व्यक्ति तो सब हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व न वरन आज बल्कि आने वाली भी कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। और ऐसे लोग एक मिसाल स्थापित करके जाते हैं। ऐसे में वो हैं चोपड़ा जी, आह नाम सुन के ही दिल एकदम जो है खुशी से भर जाता है। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। अरे ये नहीं भाई, देखिए हम ही नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत गलत है, लेकिन प्यार मोहब्बत का जो सोच है आज के डेट में, जो परिभाषा लोगों ने गढ़ा है, ये बड़ा गलत है। आप प्यार कर रहे हैं किसी से तो उसके लिए हाथ का नस काट दे रहे हैं। कट का साबित करना चाहते हैं? जिनको से प्यार करते हैं उन्हीं का दिया हुआ ब्लड है का शरीर में, जो उनके लिए बर्बाद कर रहे हैं? ब्लड को याऊ ना दिया है जे, किन्हीं और के परिश्रम, त्याग, सेवा, समर्पण, ओकर वजह से ना आपके शरीर में ब्लड है। जो आपका शरीर के अंदर ब्लड रहते आपका नहीं हो सका, आपकी इज्जत, आपका वैल्यू, आपका समर्पण को समझ नहीं सका, तो क्या लगता है आपको कि चाहे यहाँ वाला काट दीजिए चाहे यहाँ वाला काट दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? तो ऐसा प्यार वाला हमको नहीं अच्छा लगता है। किन्हीं को लगता है तो मुबारक, हम तो यही जानते हैं कि भाई प्यार वही निभ सकता है या प्यार वही चल सकता है जो बराबर एक दूसरे को इज्जत करें, बराबर रूप से दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, बराबर रूप से एक दूसरे के दिलों में दूसरे के प्रति जगह हो। एक बात समझ लीजिए, बुझ जाइए, सोच समझ के कान में बत्ती बना के डाल लीजिए। एक तरफा और दूसरे को दिल दुखा करके किसी का भला नहीं हुआ है और न होगा। दस सिर वाला रावण भी एक सिर वाले इंसान भगवान श्री राम से हार गया। सौ हाथी का बल रखने वाला कंस भी एक मोर पंख लगाने वाले से हार गया। इतिहास है, हम नहीं कह रहे हैं। अगर प्यार में कुछ करके गुजर जाना है, अरे बताइए आप, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, संसाधन विहीन है, दशरथ मांझी प्यार में पहाड़ काट दिया और आजकल के लेकर नस काट दे रहा है, तो ई वाला प्यार तो भाई हम दूर से प्रणाम करते हैं। किसी को ना हो, कोई लेकिन कैसा प्यार नहीं हो, प्यार हो कॉपी किताब से, प्यार हो माँ बाप से, प्यार हो अपना करियर से, प्यार हो जीवन में कुछ कर गुजरना है इस समर्पण से। कहाँ तो हम थे चोपड़ा जी के पास, अब आ गए फिर से वहीं पे। चोपड़ा जी मतलब कि भाला फेंक, भारत के नीरज चोपड़ा, 23 वर्षीय जावलिन थ्रोअर। द्वंद कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू है वंशज और फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाला फेंक में हिंदुस्तान का नाम और छाती दोनों गर्व से चौड़ा कर देने वाले नीरज चोपड़ा जी के बारे में। यहाँ लेकर भोरे से सांझ तक मैंने दो दो टाइम जिम जाई तक, पसीना बहा बहा के अपना एकदम जाए कि वजन कम कर रहे हैं, शरीर में मसल्स बढ़ा रहे हैं। 87 फीट ढेला नहीं फेंक सकते हैं, 1 फीट में 3 मीटर, और 87 मीटर भाई साहब ने भाला फेंक दिया। जुनून है, दिल में जोश है, तो ताकत अपने आप आ जाए। अब अंधेरिया रात में 12-1 बजे तक अगर हेलो हेलो फोन से बतियाएंगे, अब नौ से काट के प्रेम दिखाएंगे, कहाँ से आएगा समर्पण? जिंदगी सबको मौका देती है, इसलिए युवा वर्ग से हम खास करके अपील करते हैं कि अपना मौका पहचानिए, कुछ नया करके गुजर जाइए। वह लड़का संसाधन से विहीन होने के बावजूद भी लगातार परिश्रम और प्रयास के बदौलत 87 मीटर से अधिक भाला फेंक कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक में जा रही एक लड़की एक कैब ड्राइवर को दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। अरे भैया, कौन सा बहादुरी दिखा रहे हो? रानी लक्ष्मीबाई बनना है तो उनके जैसा लड़ाई करो। निर्दोष और निरीह प्राणी पे प्रहार करके अपनी शक्ति बल को दिखाना, महिला आप हैं
इज्जत के लायक है। स्त्री जाति की इज्जत करनी चाहिए, और हम तो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई विशेष अंतर नहीं है, समझ गए ना। अर्धनारेश्वर भगवान का फोटो देखे ना शंकर जी का, यह बीचे से इधर नारी है इधर पुरुष है, तो दोनों बराबर एक ही शक्ति से समाहित और एक ही शक्ति से उत्पन्न है, कोई अंतर नहीं है। और दोनों में संवेदना और स्वभाव और एक दूसरे के प्रति इज्जत होना चाहिए। मानव जाति में आप हैं तो स्त्री पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता। और निरीह जो है कैब ड्राइवर को दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, एक लपड़ खींच के मार देता तो वहीं पे मिर्गी आ जाता कि नहीं, आप तो उसको देखे होंगे कदकाठी महिला जो थी, प्रदर्शनी नाम था उनका। तो भाई नाम प्रियदर्शनी है तो कुछ प्रिय चीज़ का दर्शन कराइए अपने स्वभाव से, है ना। तो ऐसा भी नहीं बनना है जैसा ही है मोहतरमा। इतना मान लीजिए कि अच्छा वाला और बुरा वाला दोनों जो है ना कुकुर हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, सब इंसान के अंदर है। आप किसको ज़्यादा खाना खिलाते हैं, किसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। जिसको ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा मजबूत बनेगा, अच्छा वाला को करेंगे तो अच्छा वाला मजबूत बनेगा, बुरा वाला को करेंगे तो बुरा वाला मजबूत बनेगा। तो अपने अंदर अच्छा वाला जो है वो जानवर उसको ज़्यादा खाना खिलाइए, और जो बुरा क्वालिटी वाला जानवर जो बुराई आपके अंदर बढ़ाएगा उसको थोड़ा कमज़ोर ही रहने दीजिए, बाकी सब बिंदास है। अच्छा एक तो बात बताइए, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है, नाम है TVM, नीचे में रेड कलर का बटन है उसका लिखल है सब्सक्राइब SUBSCRIBI, तो उस पे दबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इस बात का 100% गारंटी है। अगर उसको आप दबा दीजिएगा तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा, ना ही आपके उंगली में दर्द होगा, और ना ही रात भर आपको सर दर्द करेगा जिससे आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। तो दबाइए, लाइक भी कर दीजिए, और दूसरे को भेजना चाहते हैं तो शेयर है, तो आप जान ही रहे हैं बगल में, तो शेयर करके शेयर बन जाइए और लाइक करके हम लोग हौसला बढ़ा दीजिए। प्रणाम कर रहे हैं, गलती हुआ होगा तो बता दीजिएगा, सुधार कर लेंगे, अच्छा लगा होगा तो बहुत बढ़िया।